नमस्कार, मैं हूं उदय भगत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल UNN। आज आस्था का महाकुंभ या कहें तो महापर्व छठ है। आज अस्ताचल सूर्यदेव की पूजा अर्चना के बाद कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस महापर्व का समापन होगा। छठ क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको काफ़ी जानकारी होगी, पर आपको हम बता रहे हैं आज वो 10 नियम जिसका पालन आपने अगर किया तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। नहाए खाए से लेकर उगते सूर्य देव की आराधना तक प्याज और लहसुन का सेवन करना इन 4 दिनों में बिल्कुल मना है, इसलिए भूलकर भी आप प्याज और लहसुन का सेवन न करें। छठ पूजा में सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बिना साफ सफाई के पूजा की कोई भी चीज़ों को नहीं छूनी चाहिए। जो महिलाएं यह व्रत करती है वह इन दिनों में पलंग या चारपाई पर नहीं सोती है, बल्कि जमीन पर चादर बिछाकर सोती हैं, इसलिए इसका ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है। सूर्य भगवान को अर्घ देना बहुत ही जरूरी माना जाता है, इसलिए कभी भी पूजा के लिए चांदी, स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रसाद तैयार करते समय खुद कुछ नहीं खाना चाहिए, यानी जो उपवास में है वो प्रसाद तैयार करें। ध्यान रहे, जिस जगह आप प्रसाद बना रहे हैं वहाँ पहले खाना ना बना हो। इसका मतलब यह हुआ आप मिट्टी का नया चूल्हा बनाएं, वहाँ प्रसाद बनाएं। पूजा के समय हमेशा साफ सुथरे और धुले हुए कपड़े ही पहने। अगर आपके पास नए कपड़े नहीं है तो कोई बात नहीं, कपड़े धुले हुए होने चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो बिना सूर्य को अर्घ दिए जल या फिर किसी भी और चीज़ का सेवन न करें, यानी सुबह आप जब अर्घ देंगे तब आपकी पूजा सफल होगी। छठ व्रत के दौरान शराब, अल्कोहल और मांसाहारी खाने से दूरी बनाए रखें। पूजा के दिनों में किसी को भी फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद फलों का सेवन कर सकते हैं। अगर आपने इन नियमों का पालन किया तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। धन्यवाद।